हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं तो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमर ड्रीम न्यूज़ पे। तो फ्रेंड्स, हम मैच कवर करने जा रहे हैं। यहाँ से नॉर्वे का मैच खेला जाएगा। जो मैच होगा आपका नॉर्वे वर्सेस इटली के बीच में। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से वर्ल्ड कप में स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए लेके आया हूँ। जो ये वर्ल्ड कप के T20 के क्वालिफायर है 2020 में, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसके लिए हमारी टीम जो यहाँ से 6 टीम निकली है। उन 6 के 6 टीमों का फ्रेंड्स यहाँ से डीपली एनालिसिस, पिछले 5 मैचों में प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, सबका डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहां से देख सकते हैं सब प्लेयरों की परफॉर्मेंस और अपनी टीम ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए बना सकते हैं ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नॉर्वे की प्रोबेबल इलेवन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो आर इकबाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि ये यहाँ से ड्रीम इलेवन की ऐप में आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं और बहुत ही शानदार फॉर्म में चले हुए हैं। पिछला परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, हर मैच में इनको विकेट मिलते हैं और 26 24 20 या 25 रन बनाते हुए भी आपको दिखेंगे। यहाँ से इनके साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ईहुलक, के अहमद, वकास अहमद, इसके बाद आएंगे गिलानी फील्ड फ्रेंड, इसके बाद आएंगे अंसार इकबाल, मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है एक बाल आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनका स्कोर देख पा रहे हैं आप, 3 विकेट और 1 विकेट, 37-39 रन भी किए हैं। फैजल मुमताज़ फ्रेंड्स कभी इतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं थे। जो 5 मैच हुए थे इनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इससे पहले जो 6 मैचेज हुए थे फ्रेंड्स, उसमें जो 6 टीमें जहाँ से क्वालिफाई की थी, तो वहाँ उनके 5 5 मैचेज हुए थे, तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा वहाँ रहा था नहीं था। पी भारत फ्रेंड्स यहाँ से बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए है जो है हाइतुलन याजी फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छा ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिनका रिकॉर्ड देखिए आप, 3-3 विकेट मिले हैं, जो 5 मैचेस खेले थे 31 रन भी किए हैं। फ्रेंड्स, ए शेख आपको गेंदबाजी के सेक्शन में मिलेगी ड्रीम इलेवन में, तो आप ए शेख को भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और तफसीर अली फ्रेंड्स इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं है। जुनेश शेख और अब्दुल्ला शेख दोनों ड्रीम इलेवन में गेंदबाजी के सेक्शन में है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और 1 या 2 विकेट आपको लेते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपके पास बाकी ऑप्शन रहती है वो रहती है इटली की टीम की, इटली का स्क्वाड फ्रेंड्स यहाँ से आप दिखवा रहे हो, तो आर हसन और मनप्रीत सिंह आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आर हसन फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए, क्योंकि ये आर हसन ये भी बहुत कम लोगों ने ले रखे हैं और इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ से, 1 विकेट 3 विकेट 13 रन 3 विकेट 17 रन अपनी टीम के लिए किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। मनप्रीत सिंह बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाली है, 28 50 14 42 रन किए थे फ्रेंड्स। यहाँ से सब की बात आती है, वो आती है बी प्रेरा के ऊपर। बी प्रेरा फ्रेंड्स यहाँ से इतना अच्छा परफॉर्म किए नहीं है, वहाँ पे 5 ही 5 मैचेस नहीं खेले थे, सिर्फ 2 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 21 और 34 रन किए थे। बाकी यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है वो है एन मियालो की, 41 32 57 3 विकेट 45, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाली है। गैरथ वर्क फ्रेंड्स उस सीरीज में खेले नहीं थे तो, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर दीजिएगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक मैचेज होते हैं, लीग मैचेज होते हैं, उसमें बहुत सारा परफॉर्म कर चुके हैं। जसप्रीत सिंह की बात करें फ्रेंड्स यहाँ से, तो जसप्रीत सिंह भी ऑलराउंडर की सेक्शन में आपको अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दिखेगी। एमरॉस और जसप्रीत सिंह दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और गेंदबाजी अच्छी करते हैं। जी मुन्ना सिंह के फ्रेंड्स आपको सिर्फ गेंदबाजी करते हुए दिखेगी, कैप्टन है इटली की टीम के, 2 विकेट और 1 विकेट ले चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से बलजीत सिंह को आप ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से हमारी इटली वर्सेज नॉर्वे की टीम रहेगी, उस वो किस तरह से रहेगी, उसके लिए जो मेरी हमारी टीम है उसमें क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ट्राई किया हूँ एम सिंह को, के अहमद को अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा, बी प्रेरा को फ्रेंड्स मैं यहाँ से ड्रॉप किया हूँ, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं इनको भी, आप अपनी टीम में यहाँ से ई होलक की जगह बी प्रेरा को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एन वी मियालो को मैं यहाँ से लिया हूँ, बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, जैसे आपने रिकॉर्ड पहले भी दिखा इनका। और फ्रेंड्स यहाँ से अंसारी इकबाल बहुत ही शानदार ऑप्शन है, आपका रिकॉर्ड मैंने इनको दिखाया है, अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। ग्लेनी फील्ड फ्रेंड इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको मतलब रखिएगा। आर अब्दुल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको अपनी टीम में मत रखिएगा। जिम यादव बहुत लेट खेलने आते हैं, अच्छी फॉर्म में नहीं है। मुमताज बहुत लेट खेलने आते हैं, अच्छी फॉर्म में है नहीं है। ऑलराउंडर की बात करें एच नियाजी, गैरथ वर्क, एमरॉस और आर इकबाल बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। और फ्रेंड यहाँ से आप जो ट्राई कर सकते हैं वो एस सिंह को ट्राई कर सकते हैं, सिमरनजीत सिंह को ट्राई कर सकते हैं आर इकबाल की जगह पे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से 4 ऑलराउंडर ये बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से जी मुन सिंह है, सिर्फ गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले बताया राकिब उल हसन का आपको बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहने वाली है, ओपनिंग करते हुए नजर आएगी और गेंदबाजी में पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म में है और आपके लिए ग्रैंडली की अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। यहाँ से फ्रेंड बी बलजीत सिंह भी खेल सकते हैं,
लेकिन इतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं, सिर्फ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से इनको ड्रॉप किया हूँ। पी भारत फ्रेंड्स खेलते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो इनको यहाँ से आप ए शेख की जगह ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ए शेख या पी भारत में से आपको या जी ए शेख में से आपको एक ही प्लेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं, आप तीन में से एक प्लेयर को चूज़ करिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बाकी टीम आप मेरी तरह ही रखिएगा। जो टीम मैंने बनाई है बाकी टीम आपकी वैसे की वैसी रहनी चाहिए, सिर्फ पी भारत और जे शेख में से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से रहने वाला है फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई चेंजेस रहता है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से कैप्टन की ऑप्शन है वो है आरएसएन की, बहुत ही शानदार ऑप्शन है, और एनमियालो की। फ्रेंड्स यहाँ से सब भी आज स्मॉल लीग में आर इकबाल के साथ भी आप जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी अच्छी ऑप्शन है कैप्टन के लिए। तो फ्रेंड्स बाकी यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में और गेंदबाजी सेक्शन में कोई खास ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको फ्रेंड्स कैप्टन की ऑप्शन बताई है आर हसन और आर इकबाल और एनमियालो की, बहुत ही शानदार ये इनका परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में रहा है, और उम्मीद है कि आज भी ये बहुत सारा परफॉर्मेंस करेगी। तो फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप स्मॉल लीग में 100% विन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड वॉचिंग।